हाय एवरीवन, मैं हूँ शिफाली। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम गेट 2014। ये क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए। जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो विद सॉल्यूशन पीडीएफ फॉर्म में आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है आपको लास्ट में गिवन होगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लिंक ले सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम इज 1+k मल्टीप्लाइड बाई gs इक्वल टू 0। द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन gs हैज़ 1 पोल एट 0 एंड 2 पोल्स एट -1। द रूट लोकस ऑफ द सिस्टम फॉर वेरिंग k इज शोन इन द फिगर। द कॉन्स्टेंट डैम्पिंग रेशियो लाइन फॉर जीटा इक्वल्स टू 0.5 इंटरसेक्ट्स द रूट लोकस एट पॉइंट ए। The distance from the origin to point A is given as 0.5. The value of k at point A is okay. तो क्वेश्चन में हमें गिवन है यूनिटी नेगेटिव फीडबैक, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें गिवन है, ट्रांसफर फंक्शन की हमें प्रॉपर्टीज गिवन है कि इसका एक पोल जो है वो ओरिजिन पर है और 2 पोल -1 पे है। रूट लोकस हमें गिवन है यहाँ पर और जीटा इक्वल टू 0.5 जो लाइन है वो रूट लोकस को कट कर रही है पॉइंट ए पर, जिसकी डिस्टेंस है ओरिजिन से 0.5, और हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ गेन के। तो सबसे पहले तो देखिए हम लिखते हैं एक्सप्रेशन ऑफ जीएस। तो जीएस क्या है? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो ये हो जाएगा के डिवाइडेड बाय एस मल्टीप्लाइड बाय एस प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करने के लिए। देखो हमें क्या बोला गया है कि पॉइंट a जो है रूट लोकस पर लाई करता है, और एक प्रॉपर्टी हमें पता है कि एनी पॉइंट लाइज ऑन द रूट लोकस If magnitude of gs multiplied by hs equals to 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यूनिटी नेगेटिव फीडबैक है तो hs जो है क्या हो गया 1, तो ये हो जाएगा mod of gs equals to 1। तो हमें फाइंड क्या करना है, k divided by s s plus 1 का होल स्क्वायर equals to 1। ये हमें पुट करना है, तो हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ गेन के की। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वो पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, पॉइंट ए की हमें लोकेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पर एस को हमें क्या पुट करना है, पॉइंट ए से हमें पुट करना है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं इसके लिए। सबसे पहले तो देखिए हम यहाँ पर पॉइंट ए से परपेंडिकुलर लेंगे हॉरिजॉन्टल पर, और इसको हम मान लेंगे पॉइंट बी, और जो जीटा इक्वल्स टू 0.5 लाइन है वो जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रही है उसको हमने ले लिया थीटा। तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा जीटा। तो यहाँ से थीटा हमें क्या मिलेगा, कोस इनवर्स ऑफ जीटा, डैट इज कोस इनवर्स 0.5। तो थीटा जो हमें मिला है वो मिलेगा 60 डिग्री। अब इसी तरह से हम ट्रायंगल ओएबी में अगर हम देखेंगे, ट्रायंगल ओएबी यहाँ पर हम देखेंगे कोस थीटा। तो देखिए कोस थीटा क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। तो ये हो जाएगा ओबी डिवाइडेड बाय ओए। कोस 60 डिग्री क्या होता है, 1/2। ये हो जाएगा ओबी डिवाइडेड बाय 1/2। तो यहाँ से जो हमें ओ बी लेंथ मिली वो क्या मिलेगी, 1/4। तो ओ बी लेंथ 1/4 है तो बी का जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगा, -1/4। ठीक है, सिमिलरली देखिए साइन थीटा हम लिखते हैं, साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, ए बी डिवाइडेड बाय ओ ए। अब साइन 60 डिग्री क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो ये हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाय 1/2। तो यहाँ से हमें लेंथ ए बी क्या मिलेगी,
रूट थ्री बाय फोर। तो यहाँ से देखिए ये पोजीशन क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ थ्री बाय फोर। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम पॉइंट ए की जो पोजीशन है वो हम लिख सकते हैं। तो देखिए पॉइंट ए क्या हो जाएगा, माइनस वन बाय फोर प्लस जे रूट ऑफ थ्री बाय फोर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने जो एक्सप्रेशन फाइंड किया था के डिवाइडेड बाय एस एस प्लस वन का होल स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड हमें वन रखना है। यहाँ पर हम एस क्या पुट करेंगे, माइनस वन बाय फोर प्लस जे स्क्वायर रूट ऑफ थ्री बाय फोर। अब दो तरीके हैं सॉल्व करने के, या तो आप ये जो एस है ये डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर दे और सॉल्व कर ले मैग्नीट्यूड फाइंड करके, या फिर आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। तो वो हम कैसे करेंगे देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं वन बाई फोर कॉमन लेके माइनस वन प्लस जे रूट ऑफ थ्री। फर्दर देखिए हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड सबसे पहले, तो ये माइनस वन स्क्वायर प्लस रूट थ्री स्क्वायर देन एंगल एक्सपोनेंशियल पावर जे टेन इनवर्स रूट ऑफ थ्री बाय माइनस वन। तो यहाँ से जब हम एस फाइंड करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, वन बाय फोर मल्टीप्लाइड बाय टू मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल टू द पावर जे टू पाई बाय थ्री। टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री क्या हो जाएगा, टू पाई बाय थ्री। तो यहाँ पर जो एस पॉइंट हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, वन बाय टू एक्सपोनेंशियल पावर जे टू पाई बाय थ्री। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन वन, इसको हम ले लेते हैं टू। अब हम फाइंड करते हैं एस प्लस वन, एस प्लस वन क्या हो जाएगा, माइनस वन बाय फोर प्लस जे रूट थ्री बाय फोर प्लस वन। तो ये हो जाएगा थ्री बाय फोर प्लस जे रूट थ्री बाय फोर। रूट थ्री बाय फोर को हम कॉमन लिख के लिख सकते हैं रूट थ्री प्लस जे। तो यहाँ से जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो देखिए क्या बनता है, रूट थ्री बाय फोर मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ रूट थ्री स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर ई टू द पावर जे टेन इनवर्स वन बाय रूट ऑफ थ्री। तो ये हो जाएगा रूट थ्री बाय फोर मल्टीप्लाइड बाय टू मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल टू द पावर जे पाई बाय सिक्स। तो यहाँ से जो हमें एस प्लस वन मिलेगा वो क्या मिलेगा, रूट थ्री बाय टू एक्सपोनेंशियल पावर जे पाई बाय सिक्स। अब हम इक्वेशन वन टू एंड थ्री से देखेंगे तो देखिए हमें क्या मिलता है, के डिवाइडेड बाय वन बाय टू ई टू द पावर जे टू पाई बाय थ्री रूट थ्री बाय टू ई टू द पावर जे पाई बाय सिक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वन। अब कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वन। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ के डिवाइडेड बाय वन बाय टू मल्टीप्लाइड बाय थ्री बाय फोर इक्वल्स टू वन। तो ये हो जाएगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं के इक्वल्स टू थ्री बाय एट और पॉइंट थ्री सिक्स। तो ये जो वैल्यू है ये हमने फाइंड कर ली है गेन के लिए पॉइंट थ्री सेवन। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मेरे टेलीग्राम चैनल का और ग्रुप का लिंक गिवन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं डिस्कशन के लिए और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर भी। थैंक यू सो मच।